भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रमाला बस स्टैंड पर स्थित पूर्व विधायक सहिन सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ संवाद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि गेहूं, धान और दलहन फसलों की MSP में वृद्धि, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना जैसे किसान कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मिली है। पूर्व विधायक के आवास पर किसान संवाद में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के जरिए कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया था, योगी सरकार उसे पूरा करने पर काम कर रही है। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर हाईवे बनने से क्षेत्र का विकास होगा। वीरेंद्र तोमर, बागपत से रिपोर्ट। शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे पैरामीटर सरकार को काम कर। आप देखते होंगे लोग कहेंगे आप सड़कों का काम करो, हमारे सांसद जी 2004 में लोकसभा चुनाव उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बड़े बड़े हाईवे करके सड़कों का निर्माण कराया गया। जितने भी घोषणा पत्र है हमारे, उन घोषणा पत्र निकालो, चाहे हमारे कोर एरिया से जुड़े हो, चाहे जनता से जुड़े हुए, बहुत अच्छा काम। सुरक्षा होते बहन बैठी है, शाम के 5 बजे के बाद परिवार से अगर कोई बहन घर से बाहर गई है, हम लोग तनाव में रहते थे, फोन करते थे बेटी कहाँ है, बहन कहाँ है। आज क्या स्थिति है? आज मिशन शक्ति के तहत, महिला सशक्तिकरण के तहत सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है, बहनों से प्रॉब्लम से जुड़े कई विषयों पर काम। आज देखते हैं आप कि सरकारों के द्वारा आम जनता के हित के लिए काम